अभी आपने सवाल किया था आपने कि रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कही थी आपने कि सर्वे, कि आप एक नया कोई सर्वे बलिया से या किसी से सर्वे कर रखते हैं, ये ऑलरेडी पूरे वर्क कर चुके हैं, बाधाफ्ता मेट्रो डायरेक्टर के साथ बैठ के इस बारे में बातचीत की गई। लास्ट दो तीन टाइम पहले हम लोग इरीटेशन के जरिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखे हैं, ये रखे हैं कि मैं ये सुल्तान बाजार का इशू हमारे उस्मान भाई और सारे लोग भी बताए कि 20 फीट के रोड के अंदर मेट्रो ट्रेन जा सकती है, तो 80 फीट में क्या पॉसिबिलिटी है कि 80 फीट में नहीं जा सकती है। ये रिलीजियस का जो बीच में हवा हवा ला रहे हैं उसके लिए मैं आपके लिए क्लियर बोलना चाह रहा हूँ, सिवाय 5 प्रॉपर्टी जिसके अंदर 2 मस्जिदें हैं और बाकी की ग्रेवियाँ हैं। अब देखिए 80 फीट के बीच के अंदर रोड है दारू शफा से लेकर फलकनुमा तक, ये बलिया का अलाइनमेंट है जिसके अंदर 2 मस्जिदें बीच में हैं, जो एक एतबार चौक की भी नहीं, एतबार चौक के नीचे भी क्लियर है, ये कोटले निकाल के पास एक, और दूसरी ये सुल्तान शाही से जब अपन मुड़ लें, सुल्तान शाही से जब मुड़ लें वो सुल्तान शाही के बीच में से मतलब बना रहे एक एक मस्जिद बीच में आ रही है, इसके बाद से कोई भी मंदिर कोई भी मस्जिद कोई भी चीज़ नहीं। अब एक छोटा सा फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप देखिए ये टोली चौकी का जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर के नीचे झंडे दरगाह तमाम चीज़ को ले लिया गया है, और ऊपर से फ्लाईओवर पब्लिक के चलने के लिए बेहतरीन अच्छा कदम है, ये डेवलपमेंट में आड़े आने वाली चीज़ नहीं है। ये सिवाय गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि जब GAC का दबाव पड़ता गया इस चीज़ के बारे में, बार बार हमारे कायदीन अरीफ पाशा हो, हमारे रेड्डी साहब हो और हमारे उस्मान हलाजरी हो, उन्होंने कहा कि सुल्तान बाजार एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है हमारे लिए, सुल्तान बाजार के अंदर 20 फीट की रोड के अंदर मेट्रो ट्रेन जा सकती है, तो अगर सेंट्रल के अंदर अभी अगर 20 एक तरफ है 20 फीट एक तरफ, अगर उसमें अगर 2-4 फीट 5 फीट अगर 10 फीट किसी के लेना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, शहर में 10,000 प्रॉपर्टीज़ लिए हैं रोड ब्रांडिंग के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इशू नहीं है, सिवाय गुमराह करने के लिए है। हम इस GAC का जो आज हमको और भी के ज़्यादा चिंता और इस बात की हो गई, फिक्रमंद इस बात की हो गए, इसका अगर ईमानदारी से अगर इन्हों अगर खाली अलाइनमेंट रिश पाशा ने सही कहा कि हम ऑलरेडी आज 10 साल से जब भी मेट्रो 2007 में जब आए थे जब से अलाइनमेंट पे काम हो चुका है, सिवाय ये चाह रहे थे कि यही एक जो हैदराबाद के सांसद हैं और तमाम चीफ हैं इन्हों जो MLA वगैरह है इन्होंने कहा कि उस टाइम से मतलब बना रहे इन्हों नदी से होते हुए गाजीपल पार्क की तरफ हो, ये उनको गुमराह करने की वजह से उन्होंने इस प्लान के अंदर काम करने से मना किया था। और दूसरी चीज़ इनका मंशिया क्या है कि कहाँ अवैसी हॉस्पिटल एक्सटेंशन करने से या हमारे पुराने शहर साउथ जोन का पुलिस सबसे ज्यादा मदद करते हैं। भाई आप पुराने